जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग मूल विधि में भारतीय न्याय संहिता का जो है पांचवा पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले के आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है, आप वहां पहले के पार्ट कंप्लीट करें, फिर आप इस पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आते जाएगा। यहाँ पे हम देखने वाले क्या हैं कि आपके पिछले वर्ष जो आज हम लोग दो धारा पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता का, सेक्शन 8 और सेक्शन 9, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पिछले वर्ष में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उससे क्या है आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं और क्या आपको पढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत अधिक एक्सेस मतलब अत्यधिक कंटेंट पढ़ ले रहे हैं और उस चक्कर में आपका जो जरूरी कंटेंट है आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वह नहीं छूटना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो अगर आपको अंत में हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, क्योंकि एक घंटा लगभग मुझे लगे हैं फ्रेंड्स इस पीडीएफ को बनाने में और उसके बाद मान लीजिए ये आधा घंटा लगभग आपका इस वीडियो को बनाने में, तो डेढ़ घंटा समय अगर मैं आपके लिए दे रहा हूँ तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर के जरिए हम मतलब जब करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे नेक्स्ट में लगातार वीडियो आपके लिए लेके आते रहूँगा। और ये मैं आपको निश्चित बोल सकता हूँ कि आप कहीं 1000 का भी कोर्स ले लीजिए, जो ये मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको हर जगह से बेहतर साबित होगा। क्यों? क्योंकि एक कंटेंट जो है मैं खुद बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और जो चीज़ें यूपी पुलिस में ज़रूरी हैं, ठीक है, यूपी पुलिस में जो चीज़ें ज़रूरी हैं और जगहों पे आपको ये नहीं अधिकतर पता है कि क्या आपका सिलेबस है, क्या कंटेंट पूछा जाना चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों का बारीकी से जो है मैं बता दूं, ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाता है कि क्या क्या धारा पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहूँगा आप इन चीज़ों को पढ़ें और पिछले वर्ष के पेपर को सॉल्व करेंगे जब, तो आपके अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिलते जाएंगे और ये हमारा एप्लीकेशन है, यहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका सेक्शन 8। इसके पहले हम लोगों ने 7 सेक्शन तक देख लिया है, क्या 7 सेक्शन तक देख लिया है, आज हमारा 8वां सेक्शन है। तो धारा 8 क्या कहता है, जुर्माना की रकम जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध कोई किया है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या न्यायालय ने क्या किया है, उस अपराध के बदले में कोई जुर्माना फिक्स किया कि आप इस जुर्माने को पेड करोगे इस अपराध के कारण, यानी कि आपको दंड दिया गया। मान लीजिए आपको जुर्माना मिला लेकिन यहाँ पे आदि भी लिखा हुआ है, तो सामुदायिक सेवा की व्यवस्था की गई है। इस बार आपका भारतीय न्याय संहिता में 6 धाराओं में आपको मतलब 6 धाराओं में कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाने की प्रावधान किया गया है नए आपके भारतीय सर्विस भारतीय न्याय संहिता में। कम्युनिटी सर्विस क्या है, मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे पार्क में पेड़ पौधे लगाना, रोड के किनारे पेड़ पौधे लगाना, कहीं पे सार्वजनिक जगह पे आपका पानी वितरण, ये सब कार्य कराना, तो ये सब कम्युनिटी सर्विस जो है आपके यूरोप कंट्रीज में प्रचलित हैं, तो उस चीज़ को यहाँ भी लागू किया गया है। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ETC, यानी कि जुर्माना क्या रकम, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे।
कह रहा है जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है। सेक्शन आठ का पहला हमारा क्या कहता है सब सेक्शन, जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा। जैसे मान लीजिए जहां पे आपका ये नहीं बताया गया है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां अपराधी जिस जुर्माने की रकम का दाई है वह असीमित है, क्या है, अनलिमिटेड है, किंतु अत्यधिक नहीं बट एक्सेसिव नहीं होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने कोई अपराध किया है तो उस पे फाइन अगर डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है कि इस काम के लिए इतना जुर्माना लग सकता है, तो जुर्माना तो अनलिमिटेड होगा, मतलब उसका कोई निश्चित नहीं होगा कि कितना होगा, लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा। ठीक है, उसकी स्थिति के अनुसार ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा था सेक्शन आठ का सब सेक्शन एक आपका क्या कहता है कि जहां जुर्माने की राशि, क्या, जहां जुर्माने की राशि आपका वर्णन नहीं किया गया है, मतलब डिस्क्राइब नहीं किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है, वहां पे क्या होगा, जुर्माने की राशि जो होगा असीमित होगा किंतु आपका अत्यधिक नहीं होगा। और इस पे पिछले वर्ष आपका प्रश्न भी पूछा था कि जहां पे जुर्माने की राशि नहीं दी गई है वहां पे जुर्माना कितना होगा, तो ऑप्शन थे 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह के, और फिर दिया हुआ था असीमित, क्या, असीमित, अनलिमिटेड, तो आपका आंसर क्या सही हो जाता, असीमित। नेक्स्ट, अब सेक्शन आठ का सब सेक्शन तीन, कौन सा, सेक्शन आठ का सब सेक्शन तीन, एक मिनट, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा एक एक शब्द को, यदि जो अपराध है यानी जो क्राइम है किससे कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय, क्या हो, कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जब हम एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे तो अभी देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे मान लीजिए किसी अपराध में, क्या, किसी अपराध में सजा क्या दिया गया है आपका, सजा दिया गया 10 वर्ष, ठीक है, एक मिनट, 10 वर्ष नहीं, इसको लिख लेते हैं, मान लीजिए 6 वर्ष दिया गया, 6 वर्ष दिया गया और 20,000 रुपए, क्या, 20,000 रुपए क्या सजा दिया गया, दोनों सजा दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इसमें यही कह रहा है कि यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, तो अपराध में दंड क्या दिया गया, 6 वर्ष दिया गया और 20,000 रुपए, और मान लीजिए इस अपराध में अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, लेकिन दिया गया उसको न्यायालय ने मान लीजिए 6 वर्ष दिया गया है या 7 वर्ष दिया या 8 वर्ष, कुछ भी सजा दिया, लेकिन इस अपराध में अधिकतम जो सजा है कितने वर्ष की है, इस अपराध में अधिकतम 10 वर्ष की सजा है, क्या है, इस अपराध में अधिकतम 10 वर्ष की सजा है। तो अब क्या हो सकता है इसमें, मान लीजिए एक व्यक्ति जुर्माना देने में सक्षम नहीं है, कह रहा है कि हम जुर्माना नहीं पेड करेंगे, तो यहां पे यही कहना चाहता है कि इस जुर्माना न देने के व्यतिक्रम में इसका जो ये अपराध 10 वर्ष की सजा है, मैक्सिमम जब इसको और सजा दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जुर्माना नहीं दे रहा है,
तो इस अपराध का जो अधिकतम सजा है उसका 1/4 से अधिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, देखिए, उसका 1/4 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, आप अब शायद एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कि कोई व्यक्ति एक अपराध करता है, उसको न्यायालय ने मान लीजिए 8 वर्ष, 7 वर्ष और 20,000 रुपये का सजा सुना दिया। वो व्यक्ति कहता है कि मैं इस जुर्माने को देने में अब सक्षम नहीं हूं, ठीक है, मेरा सजा मतलब वो नहीं कहेगा, मतलब वो नहीं पेड करता है, व्यतिक्रम करता है, ठीक है, उस जुर्माने को पेड नहीं करता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उस जुर्माने को न देने के व्यतिक्रम में उस अपराध के लिए अधिकतम जितना सजा है, जैसे मान लीजिए उस अपराध के लिए अधिकतम आपका 10 वर्ष का सजा निर्धारित किया गया है, तो उसका 1/4 न्यायालय उसको जुर्माना न देने के व्यतिक्रम में 2.5 वर्ष की मैक्सिमम और सजा दे सकता है। तो ये आपका क्या था, सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3। तो आपसे यहाँ प्रश्न कैसा बनेगा, सेम आपको फैक्ट दे देगा, पूछ देगा क्या ये निष्कर्ष सही है, या ये पूछ देगा यदि इतना मतलब कोई, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया था कि मैक्सिमम 10 वर्ष की सजा है, ठीक है, तो उसको अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो कितना दंड दिया जा सकता है, इस तरह से। अगला जो है हमारा ये आपका 3 का 5 हो, सॉरी, सेक्शन 8 का ये सब सेक्शन 5 है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, 4 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 नहीं है, सब सेक्शन 5 है, क्या, उपधारा 5 है, तो इसको आप लिख लीजिएगा उपधारा 5। कह रहा है यदि अपराध, यानी यदि कोई ऐसा अपराध है जो जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो, किससे, उसमें मतलब कारावास नहीं है, सिर्फ फाइन है या कम्युनिटी सर्विस है, यानी ऐसा कोई क्राइम है जो आपका फाइन से या कम्युनिटी सर्विस से दंडनीय है, तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए, तो यहां पे कह रहा है देखिए, वह कारावास जो होगा, ये सब सेक्शन 5 है आपका, क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध सिर्फ जुर्माने और सामुदायिक सेवा से, क्या, यदि कोई अपराध या तो जुर्माना या तो सामुदायिक सेवा से दंड दिया जा सकता है, ठीक है, और मान लीजिए उसको जुर्माना या सामुदायिक सेवा का दंड दे दिया गया। अब समझिए, कोई व्यक्ति अपराध किया, क्या किया, कोई व्यक्ति अपराध किया और उसको या तो जुर्माना या तो सामुदायिक सेवा का दंड दे दिया गया, और वो व्यक्ति जिसको दंड दिया गया है उसका, जो उसको सजा दी गई है उस अपराध के लिए, इसका व्यतिक्रम करता है, क्या करता है, व्यतिक्रम करता है, यानी कि मान लीजिए जुर्माने से दिया गया है तो जुर्माना पेड नहीं कर रहा है, उसको सामुदायिक सेवा का दंड दिया गया तो सामुदायिक सेवा नहीं कर रहा है, तो उसको जो है क्या किया जाएगा, कारावास की सजा दी जाएगी, क्या की जाएगी, कारावास की सजा दी जाएगी, और वह कारावास कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है वह कारावास जो होगा आपका कैसा होगा, सादा होगा। मैंने आपको जब बताया था पिछला वीडियो में, दंड जो है आपका कितना प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, तो जो उसमें तीसरा पार्ट था कारावास, क्या था, कारावास जो था, तो कारावास आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो सादा कारावास और दूसरा कठिन श्रम के साथ, दूसरा क्या, कठिन श्रम के साथ, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कारावास 2 प्रकार का होता है, एक सादा और एक कठिन श्रम के साथ। अब जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए, इन्हीं दोनों की बात कर रहा है कि इसको दिया गया है किसी व्यक्ति को और वो क्या कर रहा है, व्यतिक्रम कर रहा है, न्यायालय
अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे निम्नलिखित अवधि से अधिक नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे पिछले वर्ष भी यहाँ से आपके प्रश्न बने थे, अभी मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न बने थे। तो सबसे पहले इसको देखिए, मान लीजिए उसको 5,000 तक का कोई भी जुर्माना, मान लीजिए 4,000 रुपए तक का जुर्माना दिया गया, 4,000 रुपए का जुर्माना दिया, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि उस जुर्माने को पेड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है उस जुर्माने को पेड नहीं कर रहा है, तो अब क्या होगा उसको न्यायालय इस व्यतिक्रम के लिए 2 मास से अनधिक का मतलब होता है अधिकतम 2 मास का, इससे अधिक नहीं हो सकता है, अधिकतम 2 मास का, ठीक है, क्या अधिकतम 2 मास तक का। जब जुर्माना कितने रुपए तक का होगा, 5,000 रुपए तक का होगा। अब जुर्माना मान लीजिए 5,000 रुपए से ऊपर हो गया और जुर्माना कितने हो गया, 10,000 रुपए का, मतलब 5,000 के बाद कितना, 5,001 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो गया, तब न्यायालय उस व्यतिक्रम के लिए उसे कितना महीने का कर सकता है, 4 महीने का कर सकता है। और अब जुर्माना मान लीजिए 10,000 से ऊपर है तो 1 वर्ष से अनधिक कोई अवधि। अब एक चीज फ्रेंड्स मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति को 8 वर्ष की सजा दे दी गई है और उसको 20,000 रुपए ए मैंने बताया था, तो वहां पे एक बात थी जो सब सेक्शन 3 में बात कही गई थी। जैसे मैंने वहां पे आपको एक बात बताया था कि मान लीजिए किसी अपराध के लिए अधिकतम 10 वर्ष की सजा है, तो वहां पे एक कंडीशन दिया हुआ था उसको ध्यान देना। अब आप यहाँ पे कहेंगे 10,000 रुपया से यहाँ भी है, यहाँ पे मान लीजिए 20,000 रुपया का किसी व्यक्ति को सजा दिया गया, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ये चीज समझिए, इसमें कह रहा है कि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, लेकिन आप इस चीज को ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका कंडीशन क्या दिया था कि जो अपराध होगा वह या तो जुर्माने से या तो सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा। क्या जो ये अपराध कर रहा है इस सब सेक्शन में या तो जुर्माने से दंडनीय है या तो सामुदायिक सेवा से, ठीक है, ये वाला अपराध जो है कारावास से नहीं है, लेकिन यहां पे जो मैंने एग्जाम्पल बताया था इसमें आपका कारावास भी है और जुर्माना भी है, क्या है, कारावास भी है जुर्माना भी है, जब कारावास और जुर्माना दोनों होगा तब आपका जो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा होगा उसके 1/4 से अधिक दंड नहीं मिलेगा इस जुर्माने को न देने के व्यतिक्रम के लिए। जुर्माने को न देने के व्यतिक्रम के लिए अधिकतम 1/4 आपको सजा मिलेगा जो उस अपराध के लिए नियत किया गया है, लेकिन कब, जब वो अपराध जुर्माना और कारावास दोनों से होगा, लेकिन जब आपका अपराध या तो जुर्माना या तो सामुदायिक सेवा से होगा तब इस वाले को रहेगा। मान लीजिए आपको 20,000 रुपये का जुर्माना लग गया तब सिर्फ 1 वर्ष से अनधिक, यानी कि 10,000 से ज्यों ऊपर गया तो आपको 1 वर्ष से अनधिक सजा नहीं दिया जा सकता है। तो इस चीज में अंतर आप याद रखिएगा। इन द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन आर कम्युनिटी सर्विस द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन ए डिफॉल्ट ए पेमेंट ऑफ द फाइन आर इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस सेल बी सिंपल। देखिए यहाँ पे कह रहा है सादा कारावास होगा एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन आर इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस सेल नॉट एक्सीड 2 मंथ्स 2 महीना रहेगा मैक्सिमम व्हेन द अमाउंट ऑफ द फाइन सेल नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज 5,000 रुपये तक के लिए अधिकतम आपको 2 महीने तक की सजा दी जा सकती है।
5001 से 10,000 रुपए तक के लिए अधिकतम आपको 4 महीने की सजा दी जा सकती है उसके व्यतिक्रम के लिए। 10,000 से ऊपर यानी 10,001 से आपको कितना भी जुर्माना दिया गया लेकिन वह अपराध सिर्फ जुर्माने से होना चाहिए इसका आप ध्यान रखेंगे, यानी उस क्राइम के लिए ओनली फाइन होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, आईपीसी के क्वेश्चन को मैंने बीएनएस के क्वेश्चन में बदल दिया है, ठीक है। मान लीजिए अगर उस समय भी बीएनएस होता तो क्वेश्चन कैसे बनता उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8 के अनुसार जुर्माने की राशि कितनी हो सकती है, तो जो भारतीय न्याय संहिता का धारा 8 कहता है जुर्माने की राशि जो है आपका आपने देखा था सब सेक्शन 1 असीमित हो सकता है किंतु एक्सेसिव अत्यधिक नहीं हो सकता, अनलिमिटेड फाइन हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल देखिए, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 4,000 रुपए का जुर्माना था लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका, फिर भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है, तो 2 महीने का। पहले जो है एक आपका प्रश्न में 40 रुपए था और यहाँ पे जो 2 महीने का सजा जो मिलती थी आईपीसी में 50 रुपए पे थी और 4 महीने के लिए 100 रुपए थी, इस तरह से था आईपीसी में, ठीक है। लेकिन बीएनएस में इसको 5,000 कर दिया गया है 2 महीने वाले के लिए और 4 महीने वाले के लिए 10,000 रुपए, अभी हमने जस्ट ऊपर में देखा। नेक्स्ट अगला है हमारा सेक्शन 9 यानी कि धारा 9। क्या यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं? हाँ यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। कह रहा है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, ऐसा कोई कार्य जो स्वयं में एक अपराध है, क्या ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई कार्य जो स्वयं में एक अपराध है। मान लीजिए आपने एक डंडा उठाया, क्या किया, एक डंडा उठाया और किसी को दे मारा, तो यह जो कार्य है आपका स्वयं में एक अपराध है। आपने एक ही डंडा मारा है, ध्यान से समझिएगा, आपने एक डंडा उठाया और एक डंडा उसे दे मारा पीठ पे, तो यह कार्य जो है आपका स्वयं में एक डंडा मारना भी अधिकार है, सॉरी अपराध है। लेकिन यहाँ पे ये चीज यही दिया गया है कि मान लीजिए आपने एक डंडा मारा, अब इसके लिए बाय द वे सजा निर्धारित किया गया है कि बाय मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक डंडा मारने पे 1 वर्ष का सजा मान लीजिए निर्धारित किया गया है, कि यदि कोई व्यक्ति को एक डंडा कोई मार देता है तो 1 वर्ष का सजा। अब यहीं पे मान लीजिए हमने डंडा उठाया और किसी व्यक्ति को बांधे हुए हैं, आप मूवी में देखते होंगे कि क्या करते हैं, मतलब बहुत डंडा मारते रहते हैं गुंडे या कोई भी, 50 डंडा मार दिए, 50 डंडा मान लीजिए मार दिए, अब एक डंडा पे 1 वर्ष है तो 50 डंडा मारने पे आपका सजा क्या 50 वर्ष हो जाएगा, ऐसा प्रश्न में दिया गया था। तो हमारा पिछला बार जो प्रश्न था यही था कि राम श्याम को या एक्स जेड को एक डंडा मारता, सॉरी पचास मतलब दिया गया था पहले कि अगर मतलब ऐसा है कानून में कि एक डंडा मारने पे 1 वर्ष की सजा है, राम श्याम को 50 डंडा मारता है तो क्या राम को 50 वर्ष की सजा मिलेगी, तो आपका ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, जहां कोई बात, क्या जहां कोई बात जो अपराध है, मैंने क्या बताया, कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसी बात जो स्वयं में अपराध है, ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, मिलकर बना है, कई डंडा मार रहे हैं या एक डंडा मार रहे हैं उससे मिलकर बना है,
तो वह क्या हो जाएगा, अपराधी। वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डंडा मार रहा है उसी दंड के लिए, जैसे आपने किसी 50 डंडा मारा या एक डंडा मारा, तो ऐसा नहीं है कि आप 50 डंडे के लिए दंडित किए जाओगे, आप उसी अपराध के लिए दंडित किए जाओगे, जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो, जब तक कि मतलब ऐसा उपबंध ना किया गया हो। तो क्वेश्चन क्या क्या बने थे, ये आपका धारा था, धारा 9। अब हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। राम एक डंडे से श्याम को 50 बार मारता है, मरता नहीं है मतलब मारता है, यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो राम को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। तो ये जो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राम हिट्स श्याम 50 टाइम्स विद ए स्टिक, इफ द पनिशमेंट फॉर 1 हिट इज 1 ईयर, देन राम विल गेट 50 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज पनिशमेंट। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगला क्या हमारा क्वेश्चन इसी पे बना था, जब राम श्याम को मार रहा था, मान लीजिए मैं या कोई भी राम श्याम को मार रहा था, तो उसी बीच में मोहन बचाने जाता है। तो राम जब श्याम को मार रहा था, मोहन बचाने जाता है, तो वहां पे 2 कंडीशन हो सकता है। राम जो है मोहन को जान बूझ के भी मार सकता है, और हो सकता है कि डंडा मार रहा है तो गलती से आपका मोहन को भी लग जाए। एक हो गया राम को, राम जब श्याम को मार रहा है तो जान बूझ के मोहन को भी मारने लगे, दोनों को पीटने लगे, और हो सकता है कि मान लीजिए डंडा उठाया उसने ध्यान नहीं दिया और पीछे मोहन पीछे से आया तो मोहन को भी लग गया। तो यहाँ पे यही कह रहा है, जब राम श्याम को मार रहा था तो मोहन हस्तक्षेप करता है, और राम शब्द दिया है यहाँ पे, देखिए जानबूझकर, कानून में एक एक शब्द का आपका वैल्यू है, जानबूझकर मोहन को भी मारता है। राम श्याम को स्वेच्छा चोट पहुंचाने के लिए 1 सजा के लिए और मोहन को मारने के लिए 1 अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो ये बात एकदम आपका सही हो जाएगा, सिर्फ किस एक शब्द के कारण, यह जानबूझकर। अगर यही लिख देता राम गलती से मोहन को भी मारता है, मतलब गलती से का मतलब गलती से मोहन को भी लग जाता है, ठीक है, तब अगर यह बात कहता कि मोहन को भी मारने के लिए 1 अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है, तब यह हमारा निष्कर्ष गलत हो जाता। क्या हो जाता, तब हमारा यह निष्कर्ष जो है दोस्तों गलत हो जाता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, जब किसी व्यक्ति को 2 या अधिक अपराधों के 1 मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है, क्या कह रहा है, जब किसी व्यक्ति को 2 या अधिक अपराधों के मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय उसे ऐसे अपराधों के लिए क्या सजा दे सकता है। जैसे आप देखे होंगे राम रहीम का केस अगर आपको याद होगा, या कई लोगों का, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, रात में किसी व्यक्ति ने शराब पिया, ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, रास्ते में जा रहा था कहीं पे, सबसे पहले उसने एक घर में क्या किया, चोरी किया, चोरी करके वहां से निकल गया, फिर दूसरे घर में क्या करके चोरी करने गया, वहां पे देख मतलब अचानक में मकान मालिक जो है जग गए, और क्या किया उसने, उस मकान मालिक की क्या किया, साथ में पिस्टल रखे हुए था, उसने गोली मार के हत्या कर दी कि मैं भाग सकूं, बच सकूं, वहां से उस घर से निकल सकूं। तो इसके जो अपराध की सजा होगी, इन दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, क्या कह रहा है, अलग अलग सजा न्यायालय उसे दे सकता है। तो यही चीज इस क्वेश्चन में था, तो एग्जाम्पल के सहित मैंने आपको बताया। तो क्या हो जाएगा, उसके लिए निर्धारित कई दंड। तो ये फ्रेंड्स आपका 5वां पार्ट था, ठीक है, इस पीडीएफ को बनाने में आपका 1 घंटा लग गया, और वीडियो को बनाने में जैसा मैं बोला था लगभग आपके आधे घंटे लग जाएंगे,
ठीक है, तो लगभग मुझे लग रहा है कि 30 मिनट लग गया, क्योंकि समझाना भी रहता है। तो आपसे उम्मीद रहेगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे अधिक से अधिक, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।